गाइस आज हम आए सेवंथ एवेन्यू। सेवंथ एवेन्यू की पूरी आपको विजिट कराऊंगा। सेवंथ एवेन्यू में क्या है क्या नहीं है, कितने टावर हैं, कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है, पार्क है, स्विमिंग पूल है, सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी आपको मैं दिखाऊंगा, कौन से टावर में कौन सा साइज आ जाता है। तो मेरे सेवंथ एवेन्यू में एक फ्लैट है जो भी इमीजिएटली सेल के लिए है, उसकी आपको विजिट करा के वीडियो के बीच में आपको लिंक डाल दूंगा, इसी में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अब चलते हैं पूरी वीडियो बनाने के लिए, कॉमर्शियल कितनी है और कौन कौन सी कॉमर्शियल में क्या क्या आ रहा है। कॉमर्शियल काफ़ी सारी हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सेवंथ एवेन्यू का ये एंट्री गेट है, यहाँ से सेवंथ एवेन्यू की एंट्री हो जाती है। इसके तीन गेट है सेवंथ एवेन्यू के, तीनों गेट आपको मैं विजिट कराऊंगा। ये इसका आउट गेट है, सेवंथ एवेन्यू का आउट गेट है ये पूरी मार्केट है, काफी अच्छी मार्केट बनी हुई है इसमें। सेवंथ एवेन्यू के नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर पे सारी कमर्शियल दुकानें हैं और इसके सामने एंट्री गेट है, एक वहाँ भी एंट्री गेट है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो सबसे बड़ा साइज है टावर आई, इसमें आपको मिलेंगे 1450 स्क्वायर फीट और 1350 स्क्वायर फीट 3 BHK साइज मिलेंगे टावर आई में। फिर टावर एच में आ जाते हैं, इसमें 1165 का साइज 2 BHK आपको मिल जाएगा। और एच के बाद आ जाते हैं हम टावर जी में, इसमें टोटल जो एरिया है वो 1350 स्क्वायर फीट है, स्टेडियम फेसिंग और पार्क फेसिंग आपको मिल जाएंगे इसी टावर में, 3 BHK साइज आ जाता है इसमें। लैंड की बात करूँ तो 9 एकड़ की टोटल लैंड है और 12 टावर है। टावर के में इसमें 2 साइज आ जाते हैं 2 BHK, 1155 और 1105 का साइज आ जाता है, स्टेडियम फेसिंग और पार्क फेसिंग। ये भी टावर स्टेडियम फेसिंग और पार्क फेसिंग पड़ता है। जाते हैं हम टावर ए में, इसमें एक ही साइज है 1165 वाला साइज, स्टेडियम फेसिंग और पार्क फेसिंग इसमें भी आपको मिल जाएंगे, अवेलेबिलिटी है 2 BHK के। बेसमेंट की बात करें तो बेसमेंट 4 तक है, ये जो पार्किंग है हमारी बेसमेंट 4 तक है। साइज की बात करें 2 BHK साइज, इसमें 4 साइज 2 BHK आ जाते हैं, 1075 और 1105, 1155 और 1165। अब हम आ चुके हैं टावर बी में, टावर बी में हमारा साइज आ जाता है 1165 का साइज आ जाता है 2 BHK साइज। इसमें टावर आ जाता है एल, ये एक सिंगल टावर है जिसमें 3 BHK 1185 का साइज है, 3 BHK छोटे साइज में 1185 आपको मिल जाएगा टावर एल में। तो जिस गेट की मैं बात कर रहा था, 3 गेट है इसमें, तो मैंने एंट्री गेट आपको दिखा दिया, एग्जिट गेट मैंने आपको दिखा दिया। अभी चलते हैं हम जो हमारा फायर के जो तीसरा गेट बनेगा, ये वाला तीसरा गेट है, ऑलरेडी रेडी टू मूव हो चुका है, ये वाला तीसरा गेट है। ये वाला सबसे छोटा साइज है हमारा, 1075 वाला सा 2 BHK। तो इसमें जो एरिया की बात करो और व्यू की बात करो तो ये वाला मॉल फेसिंग व्यू आ जाता है और उधर साइड पार्क फेसिंग है। इसमें सी में भी है, डी में भी है, ई में मिलेगा आपको, एफ में मिल जाएगा और जी में मिलेगा। ये 4 टावर ऐसे ही सेम एजिटेड आपको मिलेंगे, ये पार्क फेसिंग और मॉल फेसिंग दोनों हो जाते हैं। तो इसमें सेम ही साइज है, 1075 वाला साइज आपको मिल जाएगा। और अभी चलते हैं पोडियम फेस में, आपको मैं बता दूंगा पोडियम फेस में क्या है क्या नहीं है, क्या पार्क कितने हैं, पार्क क्या है, सारी चीज़ें बता देता हूँ। टावर डी है जिसकी मैं बात कर रहा था, मॉल फेसिंग आ जाते हैं, टावर डी, टावर ई, टावर एफ, टावर जी, जो ये 4 टावर जो है मॉल फेसिंग आते हैं और इसमें पार्क फेसिंग भी यूनिट आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएंगे। तो आपको मैं अगर मैं वीडियो दिखाऊंगा तो पार्क फेसिंग की आपको वीडियो विजिट कराऊंगा और जो सेल के लिए अवेलेबिलिटी है। ये आ जाता है, इसी में ही हमारा फ्लैट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हम एंटर कर चुके हैं लॉबी में, तो सेम जितनी भी मैंने आपको सेवंथ एवेन्यू लॉबी दिखाई है वो सेम एजिटेड क्वालिटी पे बनी हुई है, सेम एजिटेड बनी हुई है। वो भी आ जाते हैं नीचे की कॉमन वॉशरूम, आपको सेम सारे टावर के नीचे कॉमन वॉशरूम आपको मिलेगा सेवंथ एवेन्यू में। 4 लिफ्ट है इसमें, 4 लिफ्ट आपको मिलेंगे। जो हाइट की बात करें तो 32 फ्लोर की हाइट है इसमें, ग्राउंड फ्लोर 32 फ्लोर की हाइट है। और हाइट मैं आपको अभी दिखाई दूंगा कितनी हाइट है यहाँ की सेवंथ एवेन्यू में। एंटर कर सर्विस लिफ्ट में एंटर कर चुके हैं हम, और हाइट है ग्राउंड फ्लोर 32 फ्लोर की हाइट है टोटल। अभी हम जा रहे हैं 12वें फ्लोर पे और आपको बेसमेंट फोर बेसमेंट है, 1 2 3 4 बेसमेंट है और ग्राउंड फ्लोर 32 फ्लोर की हाइट है। और मैं आपको दिखाऊंगा, आपको एजिटेड जब अभी मिलेगा तो सेम ऐसा फ्लैट मिलेगा, उसके बाद जब आपका रजिस्ट्री का पेमेंट हो जाएगा, जब आपका रजिस्ट्री का पेमेंट हो जाता है फिर आपको बिल्डर कैसा बना के देगा मैं आपको बता दूंगा। एजिटेड अभी फ्लैट आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा मैं आपको विजिट करा रहा हूँ।
ये एल शेप में पूरी हमारी बालकोनी है। उसके बाद आपको कैसा मिलता है बिल्डर, फिर बाद में रजिस्ट्री के बाद आपको कैसा बना के देता है, ये आपको मैं बताऊंगा। बालकोनी भी उसमें ही दिखाऊंगा, इसकी तो बालकोनी सेम एज इट है, ऐसी मिलेगी आपको। कहूँगा मैं आपको बिल्डर कैसा बना के देता है, रजिस्ट्री जब आप रजिस्ट्री का पेमेंट स्टाम्प ड्यूटी पे कर दोगे तो आपको ऐसा बना के देगा फिर बिल्डर, सेम एजिटेड फ्लैट आपको बना के देगा। ये गेट सेम आपको एजिटेड लगा के देगा। तो होल तो आपने देखा पुराना फ्लैट कैसा है, जो बिल्डर अब रजिस्ट्री के बाद स्टाम्प ड्यूटी करने के बाद, ऐसा बिल्डर आपको एजिटेड फ्लैट देगा। किचन नीचे का बना के देगा, सेमी मॉडर्न किचन बना के देगा, सारी वो किचन के सिंक विंक सब लगा के देगा आपको। ये फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, वॉशरूम की सारी फिटिंग एजिटेड आपको दिख रहा है, सेम एजिटेड बना के देगा। सेकंड बेडरूम, गेट सेम एजिटेड आपको लगा के देगा, जो आपको दिख रहा है क्या सेम एजिटेड आपको फ्लैट मिलेगा। गेट आपको दिख रहा है, हैंडल आपको मिलेगा, और वॉशरूम की सारी फिटिंग सेम एजिटेड आपको मिलेगी विद ग्लास। हिंडवेयर की सारी फिटिंग है आपको। और ये आ जाते हैं बड़ी बालकोनी में, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी कैसी है, अब बड़ी बालकोनी में आ जाते हैं हम। पूरी एल शेप की बड़ी बालकोनी है ये, पूरी सेम एजिटेड फ्लैट बिल्डर आपको ऐसा बना के देगा स्टाम्प ड्यूटी के बाद। और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।